अरुण चंद्र पाठक भी यहाँ पर हमारे खेल पसंद है, मैं उनको रिक्वेस्ट करती हूँ कि रिक्वेस्ट डॉक्टर पाठक से चेयर दिस सेशन। लेट मी इंट्रोड्यूस डॉक्टर पाठक इन ब्रीफ। डॉक्टर पाठक इज अ रिनॉम आर्कियोलॉजिस्ट एंड वाज इन्वॉल्वड इन द आर्कियोलॉजिकल एक्सप्लोरेशंस एट पल्टन पल्टन जरखाना वाशी and many places as a conservator. He has also worked as an executive editor and a secretary gazetteer in Department of Government of Maharashtra. He has published many scholarly articles which are being used as a resource materials throughout India. He is a member of the Executive Council of the Deccan College, Pune. यहाँ पर हम सभी हैं तो कुछ instructions हैं हम सभी के लिए. जैसे मोबाइल अगर है तो हम सभी हमारे मोबाइल साइलेंट मोड पर रखते हैं। उसी के साथ यहाँ पर दूसरी जो रिक्वेस्ट है सभी के लिए कि जो स्पीकर है यहाँ पर उनके लिए टाइम है 1 मिनट, तो हम कोशिश करें कि हम समय में हम हमारा समाप्त करें। और अगर कैसे है कि काफ़ी डिस्कशन है और शेड्यूल स्ट्रिक्ट है तो ये समय में हम अगर हम करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो उसके बाद क्वेश्चन आंसर सेशन भी होता है और उसके साथ सभी को रिक्वेस्ट है कि हमें यहाँ पर फुल सेशन हम यहाँ पर अटेंड करने वाले हैं। हमारा सेशन हुआ और फिर हम चले जाए तो ऐसा नहीं है, हमें यहाँ पर फुल सेशन भी अटेंड करना है। सर आप हमको सभी महान लोगों को मैं स्वागत करता हूँ और सर्वप्रथम भारतीय विज्ञान सम्मेलन आयोजन के लिए आज प्रोफेसर कॉलेज और विज्ञान भारती की ओर से ये सम्मेलन होने वाला है। 5वां सम्मेलन है राष्ट्रीय स्तर का और उसका एक्सपो के साथ जुड़ा है, तो बहुत ही रोमांचक अनुभव है देखना। आज हमारे इस सेशन में टेक्नोलॉजी एंड मॉडर्न साइंस एंड तंत्रज्ञान और आधुनिक विज्ञान एक नया इस विषय पर हम संगोष्ठी करेंगे। यहाँ जितने भी सहभागी राष्ट्र है उन्हें मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो समय पर अपना समय का ध्यान रखें। शुरू से ही हमारे भारतीय परंपरा में विज्ञान के प्रति जिज्ञासा रही है और कहीं हम कृषि क्षेत्र में जाते हैं महाराष्ट्र जैसे अनुभवी वैज्ञानिक प्राप्त हुए हैं, भास्कराचार्य जैसी वैज्ञानिक अनुभूति परंपरा रही है। पानी व्यवस्थापन जो है हमारा उसकी भी भारी परंपरा रही है, यानी कुआं ये हमारे पुराने पूरे एशिया को और दुनिया को भी ध्येय माने जाते हैं। हड़प्पन कल्चर जिसे आज हम सरस्वती सभ्यता के नाम से पहचानते हैं, यहाँ हर जगह अच्छी तरह से पूरे हम मिले हैं, गोला गया है, हम जब जाते हैं तो आज भी वो जो पानी है उसी स्रोत से पा सकते हैं। महाराष्ट्र की बात हम करें या भारत की बात करें तो तालाब की खुदाई करना, उसकी मरम्मत करना, उसे चालन उगाना और उसके ऊपर सिंचन व्यवस्था करना, ये ग्राट सोर्स जिसके आप जिसे हम कहेंगे इसकी परंपरा हमारे पास रही है। सुदर्शन तालाब, इस तालाब की मरम्मत अशोक से लेकर चक्रवर्त तक 600 साल के BC 30वीं सदी से 21वीं सदी तक होती है और इस तालाब पर इतना प्रभाव बाद में हमारे हर क्षेत्र के इस तरफ के निर्माण को पड़ा कि महाराष्ट्र में पाकाटों ने जब इस तरफ का जल सिंचन व्यवस्था या तालाब की उसको सुदर्शन तालाब ऐसा नाम दिया। नांदेड़ जिले में आप जाते हैं तो वहाँ राष्ट्रकुट राजा कृष्ण तीसरा इन्होंने एक अपने दोनों की स्मृति में सॉरी राष्ट्रकुट राजा कृष्ण दूसरा इन्होंने अपने बेटे की स्मृति में एक बड़ा ही जलाशय बनाया था जिसे जगत समुद्र इस नाम से।
वैसा ही था भीमतड़ा नाम का एक समुद्र चालू करने लातूर जिले में गणेशवाड़ी के पास जगत को समुद्र को हम देखते हैं तो समझ में आता है कि कितनी गहराई से उन्होंने लोकेशन को सिलेक्शन किया था, नेचुरल सोर्स को क्रॉप किया था और आज हजार साल तक वो 2000 हेक्टर की सिंचाई करीब करीब आज भी ये तालाब करता है। इन्हें लगातार 10वीं सदी से लेकर 20वीं सदी तक यानी 1000 साल उसकी कंटिन्यूटी मिलती है, उसी से भरा नहीं है उसकी जो उसका जो बंधारा बना है उसी में एक ऐसा टेक्निक यूज किया है कि जिस फोर्स से जब पानी आता था तो वहाँ का जो एक्सेस मैला और अगर जो चीज़ें होती थी वो बह जाए नीचे की ओर से और 4 मीटर का हाइट उसमें नीचे लेवल से रखा था, 800 मीटर का कच्चा बांध बनाया था और पत्थरों की उसमें दीवार रखा था। आज भी उसकी सिंचाई थोड़ी कम मात्रा में होती है। इस तरह से काम हमारे पास हो गए, हमारे साइंस इतना डेवलप हुआ कि हमारी बोली भाषा में जो शब्द आते हैं कि जैसे हम कुआ ये एक ही नाम नहीं उसी को एक आड़ किस नाम से महाराष्ट्र में लोग जानते हैं, मराठी में विहीर दूसरी नाम होता है, बारह में स्टेप पे ऐसा तीसरा नाम आता है, पुष्करणी ऐसा चौथा नाम आता है, दड़ाक के नाम आता है, जल कुंड यानी कल्लोल कुंड ऐसे नाम आते हैं। तो उसी में जब टेक्नोलॉजी डेवलप होती है तो हमारे पास एक और एक शब्द आता है जलमांडवी यानी पानी के अंदर बनाने का है पूछ जो चारों चारों ओर से होते हैं। इसका अच्छा उदाहरण हमें कुलार मुडाना डिस्ट्रिक्ट में पाने देखने को मिलता है, दूसरा चार मना डिस्ट्रिक्ट परवनी में देखने को मिलता है, भील में माधवपुर नाम नाम की जगह है वहाँ देखने को मिलता है। ऐसी कई जगह है जब जितना भी हम गहराई से इसकी खोज करेंगे और नीचे जाएंगे हमें समझ में आता है कि हमारा ट्रेडिशनल विजडम यानी अनुभव पारंपरिक अनुभव से प्राप्त हुआ दृष्टिकोण एक बड़ा सशक्त रहा है। वैसा तो देखा तो पूरा इंडिया का मानसून के बारे में जैसा कौटिल्य ने लिखा है कि कितनी ड्रोन पानी कहाँ होगा कैसा होगा, ओवरऑल इंडिया का मानसून देखा जाए तो तीसरा साल तो करीब करीब अकाल का ही होता है और यही परिस्थिति में हमारी डेवलपमेंट होती है। इसीलिए कई बार ऐसा कहा गया कि हमारे पास इतनी राज व्यवस्था नहीं थी और खाली श्रमजा खाली पद्धत रही, मैंने खाली खेतों करना और वो को चलाना यही हमारी परंपरा रही, ऐसा नहीं है। हम जब भी देखते हैं राष्ट्रकूट राजा को देखते हैं, सातवां राजा को देखते हैं, वागाटकों को देखते हैं, इन लोगों ने बड़ी शांति से ऐसे मंदिर विद्यालय डेवलप किए, जल व्यवस्थापन किया और इसका एक्सेस उत्पन्न लेके सरप्लस डेवलपमेंट करके फिर इस का डेवलपमेंट किया था। भले ही हमारे पास पॉइंट नहीं थे राजा नहीं दिए भले राष्ट्रपिता का पॉइंट नहीं मिलता है, वाकाटा का पॉइंट इतना ज़्यादा नहीं मिलता है, कुछ पॉइंट जो बुद्ध के लिए है विजयनगर हम्पी के साम्राज्य के मिले हैं मुगल के मिलते हैं, इसके माने नहीं है कि हमारे पास कोई डेवलपमेंट नहीं था। एक बार्डर सिस्टम जिसको हम बोलते हैं वही इतनी सुचारू थी कि हमारे वहाँ वो देखते हैं जहाँ भी क्षेत्र में इतिहास पुरातत्व कि हम जैसे इतना जितना नहीं चाहते हुए कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम दे दिया हूँ हमारे जो अल्फाबेट्स आर्कियोलॉजी की पॉटरी होती है छपरे होते हैं मृदवाने होते हैं तो उसकी टेक्निक देखें डेवलपमेंट देखें तो हमें समझ में आता है कि दक्षिण में हमें जितना भी अनुभव विजडम प्राप्त हुआ वो विजडम से हमें बराबर डेवलपमेंट दिए और एक अक्षुण्य परंपरा एक खंडित नहीं है वर्ल्ड का हिस्ट्री हम जब देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि एक राजा ग्रीस रहे रोम रहे इजिप्ट तो वो आज म्यूजियम का हिस्सा बन गया यानी कहीं दिन पहले वहाँ वैभव था आज वो एक हम खाली अजय घर में जाके उसकी आउटलेट देख सकते हैं पर इंडियन कल्चर में ऐसा नहीं हुआ है। ये पहली दूसरी सदी में या हड़प्पन कल्चर में अगर वैल्यू कोई मिलती है हासिल की आज भी हमारे पास वैल्यू को मिलती है।
उद्देश्य है कि हम इस कदम में कर्म आगे बढ़ सकते Namo Namaha. Myself, Ms. Ameya Shardav, on behalf of Dr. Nene, A.S. Nene, I will be presenting this paper. The title is Secrets of Emulence of Ancient Indian Cave Paintings. Nowadays, we used to see the paintings. We used to use karte normally Asian paints. We used to use the painting. After some years, हम लोग को फिर से पेंट करना पड़ता है, right? So ये तो आधुनिक टेक्नोलॉजी है जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, we don't have any options. But in ancient times, ऐसा कौन सा मटेरियल यूज़ किया होगा ये पेपर में इन शॉर्ट हम प्रेजेंट करने वाले हैं, जिसमें इंक्लूड हम लोग करेंगे कि बेसिकली देर आर डिफरेंट हेरिटेज साइट्स, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स. So in those sites we have the Ajanta paintings, which is situated in Maharashtra, as well as the Sibiriya ka fort jo hai, Sri Lanka mein, Ceylon mein jo fort hai, wahan pe cave paintings dikhai dete hain. Wahan par bhi jo paintings mein color kaise use kiya hoga, which is nothing but natural thing. So the composition aur aisa kya kya material use kiya hai, and is there any references? तो उसमें references are there definitely, especially in various शास्त्र ग्रंथ and the विष्णु धर्मोत्तर पुराण ग्रंथ. Okay, so mainly the references, the procedure is given, natural polymers and material whatever is used in those paintings or paints. So we'll go through it. Out of more than 125 world heritage sites, 35 sites are located in India. Out of India, Sri Lanka is one of the site where Sibiriya fort is there, and two cave paintings are there in mainly in our Maharashtra, you can say. The main purpose of painting is to enhance the aesthetics of any structure, then improve the durability and the protecting from the natural weathering agents and insects, etc. So mainly whatever material is used, so it is used for the protection purpose. So natural jo kuch bhi conditions hai, weather hoga ya fir insects hoga, so after so many years wo ek decay ho jata hai, uska level quality low down ho jata hai. So to maintain that particular quality, whatever materials we are using, we'll just go through those materials. So basic colors, there are different colors, basic colors, then composite colors. So mainly basic colors mein white, yellow, red, these are the three colors. So white color kaise banaya gaya? So white color mein shells or the mother of pearls or from the white clay it is made up of. So mainly base white color ka diya hai. Then yellow color woods, haridra jo vriksha hai, with the help of this particular tree and the yellow soil, the yellow color is formed. Okay, and it is applied on the wall, mainly paintings. Okay, then the red color is nothing but sindhu or hingaloka, which is also used in case of manuscripts. While writing the manuscripts, different hingalokas are used. So the red color is obtained from the sindhu, hingula, then laksharasa. So these are the different we can obtain different variation in shades also. Okay, so these are the three basic colors. Then we have the black color. So we all know black color is made up of nothing but the lamp, black collector, जो हम लोग मराठी में उसको काजड़ी बोलते हैं, जो दिया हम लोग जलाते हैं उसके ऊपर जो ब्लैक कलर का जो आता है, that is nothing but काजल ना. So main base is base of black color we can directly get from the natural thing, that is from the lamp, natural element. Then blue color, blue minerals or indigo, resins, wood, apple. So with the help of this we can get the blue color. Then golden color. See, in these paintings, especially in Ajanta caves, jo apsara ke paintings hum log dekhte aa rahe hain,